अच्छा अच्छा, तो हम तीनों पैसे कमा रहे हैं साइकिल लाने के लिए। अच्छा, साइकिल लाने के पैसे। तो दोस्तों, नवरात्रों में यहाँ पे पूरा मार्केट रहता है भरा हुआ। ये रोड यहाँ से पूरी, और ये यहाँ से ये मंदिर का रास्ता जाता है। हम जा रहे हैं इधर, मंड का रास्ता जाता है माँ करनी के मंड का, और देखते हैं मंड खुला है या नहीं, क्योंकि अभी लॉकडाउन की वजह से माँ करनी का मंड बंद है। देखते कब तक खुलता है। अब हम यहाँ पे अपने रहने की जगह है ना, देखेंगे कहाँ रुकना है। अच्छा हो यार कोई अच्छी सी जगह मिल जाए, कोई धर्मशाला खुली मिल जाए, सस्ते में रहना है। तो दोस्तों, आपको मंड दिखाता हूँ माँ करनी का एक बार और। अंदर काफ़ी सारे है ना काबे वगैरह भी रहते हैं। काबे मतलब चूहे को बोलते हैं यहाँ पे काफ़ी। माँ करनी के यहाँ पे एक दुकान खुली है, प्रसाद वगैरह मिलता है। और पानी देखते हैं, यहाँ पे ठंडा है तो हम पानी भर लेते हैं दोस्तों। ओ, पानी एकदम ठंडा है दोस्तों यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि थोड़ा, तो दोस्तों हम पानी भर लेते हैं अपने बैग में से कुछ सामान निकाल के, क्योंकि अभी ट्रेन में है ना पानी ठंडा मिला नहीं था, तो वो जो जयपुर से पानी भर के आया था वही मैं पी रहा था इतनी देर से। तो ठीक है दोस्तों, पानी भरते हैं ठंडा। मंड कैसे कुछ नाम है नाम लिख सो तो आ जाए। अरे यार, क्या नाम है आपका? छेलू सिंह। आगे राठौर। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सर। तो दोस्तों, मंड के सामने वाली सारी धर्मशाला तो सारी बंद है, तो अब हम देखते हैं कोई सस्ती होटल या कोई हॉस्टल मिल जाए तो हम रुक जाएं यार, क्योंकि बहुत गर्मी है, बाहर रुका नहीं जाएगा। बाहर तो रुकना मुश्किल है, कुछ खाया भी नहीं है अभी, भूख का भी देखते हैं खाना है यार कहीं, तो खाना खाने के लिए मिल जाए तो बस। मिलते थोड़ी देर में आपको बताता हूँ जो भी है, कौन सी होटल क्या मिलती है। ठीक है दोस्तों, देशनोक का पुलिस थाना है सब। अब यहाँ पे एक जगह है जहाँ पे मतलब खाना खाने को खाना मिल सकता है। तो यार भूख लग रही है, बस वहाँ जाके वो पूछता हूँ, खाना मिल जाता है तो बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन यार ये गेट भी बंद है, यहाँ पे ताला लग रहा है, अंदर जा नहीं सकते अभी। तो दोस्तों, मंडी के सामने तो कोई धर्मशाला खुली नहीं है, तो अब मैं देख रहा हूँ कोई रेस्टोरेंट जहाँ मैं खाना खा लूँ। रुक तो अपन कहीं भी जाएंगे, कोई रेस्टोरेंट खुला होता तो हम खाना खा लेते बस वहाँ पे।
गर्मी बहुत है लेकिन मज़ा आ रहा है। तो सुबह 5 बजे निकला था, ट्रेन में 2 घंटे सोया, 2-3 घंटे सोया, रात को सोया नहीं था, 2:30 बजे सोया था, रात को 1 घंटा सोया, 3-4 घंटे सोया हूँ, बहुत थक गया हूँ। बस कोई अब अच्छी सी जगह मिल जाए यार, देखते हैं। तो क्या नाम है तुम्हारा? पवन। सबका एक 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 बताओ। पवन। आपका? पवन। और? करण। 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 और है? सुनील। सुनील। जोनी। जोनी। जोनी जोनी। यस पापा। नो 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 पापा। अच्छा अच्छा, तो क्या कर रहे हो गर्मी में? गर्मी नहीं लग रही तुम्हें? खेल रहे। गर्मी का फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पर? इंद्रधनुष में ऐसी लगी हुई है यहाँ पर। अच्छा, हमें गर्मी नहीं लगती, ऐसी लगी हुई है। अच्छा, प्रकृति कैसी है? अच्छी है। तो दोस्तों, अभी आपने और लोगों ने छोटे बच्चों से मुलाकात की, वो देशनोक के नौकर है, देशनोक में ही रहते हैं। तो उन बच्चों को देखो यार, मतलब कि धूप में घूम रहे हैं, बढ़िया मज़े कर रहे हैं, खेल रहे हैं। मैंने पूछा गर्मी नहीं लग रही, बोल रहे कि हमारे तो ऐसी लग रही प्राकृतिक। तो बस ऐसे ही है, जब ये घूम सकते तो अपन क्यों नहीं घूम सकते यार। पता नहीं यार, पानी पीने का बहुत मन कर रहा है बार बार। ऐसा आपको रेस्टोरेंट खुल रहा है क्या? मंदिर के पास नहीं है। मंदिर के पास खुला नहीं है सर? नहीं मिला। अभी लॉकडाउन लग रहा है क्या? फुल लॉकडाउन के बजे बंद है अभी। 24 घंटे बंद रहता है या फिर बीच में छूट है कुछ? बीच में छूट है ना। कितने बजे से कितने बजे तक? सुबह से शाम 4 बजे तक। 4 बजे तक, लेकिन धूप की वजह से बंद कर देते हैं हम लोग। तो दोस्तों, रेस्टोरेंट के लिए पूछा लेकिन रेस्टोरेंट बंद है, तो हमें छोटा मोटा नाश्ता करके ही काम चलाना पड़ेगा अभी तो। और यहाँ पे लॉकडाउन तो वही है जो अपने जयपुर में था, 4 से सुबह से शाम तक, लेकिन यहाँ पे गर्मी ज़्यादा, इसकी वजह से लोग दुकानें बंद कर देते हैं। भाई साहब, रेस्टोरेंट खुला है क्या? कौन सा? कोई सा भी। खाना खाना है? हाँ। ढाबा खुला है? ढाबा है। कहाँ पे? दूर है, 1-1.5 किलोमीटर। इतने दूर तो नहीं जाना यार, छोड़ के आ जाएंगे वहाँ पे। नाश्ता से करते शाम तक तो खुल ही जाएगी। पैदल चलना है? पैदल अभी इधर ही है, नेड़ी जी जाएंगे। रेस्टोरेंट जाना है क्या पैदल? ज़्यादा दूर नहीं जाना, सीधे चला जाओ, वो टावर है ना। हाँ, उसके सामने। अच्छा, वहीं है क्या? तो दोस्तों, कई लोग मदद भी कर देते हैं, तो लोगों ने मदद कर दी है। और इन्होंने बताया कि 500 मीटर कुछ आगे जाके एक रेस्टोरेंट है जहाँ मतलब खाना वाना हम खा सकते हैं, तो वहीं जाके हम खाना खाने वाले हैं अभी। हेलो, अरे ढाबा खुला आगे? ढाबा खुला है आगे? हाँ, ढाबा बहुत साफ तो खुला है। और ढाबा ये तो है। कौन सी है? 10 वाली दे दे यार एक। अब बताओ कहीं नाम बताओ। राजू। हैं? राजू। राजू। हाँ। और या इसकी माँ भी बेचते हो क्या? हम तीनों हैं। अच्छा, 3 जने हो तो गाड़ी में डर लगे हैं। स्कूल स्कूल जाओ। हाँ, अभी लॉकडाउन में बंद है। मैं दो साल मजा कर लिया छुट्टी का, एक साथ ही। हम तीनों पैसे कमा रहे हैं साइकिल लाने के लिए। अच्छा, साइकिल लाने के पैसे? ये तो यहाँ बढ़िया, ये तो पैदल चला जाएगा। अच्छा, मतलब साइकिल लेके ज्यादा दूर स्कूल? ज्यादा दूर तो आ रही है। तो कितने को जाते हैं एक दिन में? 800-900 हजार हो जाता है एक दिन में। 1000 होता है, 600 वो रखता है फैक्ट्री वाला, 400 हमारे आता है। 400 आपके आ जाता है? हाँ।
तो इकट्ठे करके एक साथ मतलब साइकिल लाओगे? बढ़िया साइकिल लाएंगे। बढ़िया, जल्दी मिल जाए आपको साइकिल। धन्यवाद धन्यवाद। तो दोस्तों, इतनी तेज गर्मी के बाद आखिर थोड़ा बारिश का मौसम हुआ है, तो मैं आपको ऊपर से दिखाता हूँ बारिश का मौसम। तो देखो आप बारिश का मौसम, तो आंधी तूफान जैसा मौसम हो रहा है, और अब तो मन कर रहा है कि कहीं भी सो जाए हम। माँ करने का मन, माँ करने के दर्शन कर लीजिए आप। दोस्तों मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाऊँगा यहाँ पे, तो ये प्रसाद माँ करनी के भोग लगा दिया गया है और दर्शन भी मैंने आपको करवा दिए मंड के। काफ़ी सुंदर मंड है और कबूतर वगैरह काबे वगैरह मैं आपको दिखाता हूँ, देखे कहीं दिखते तो मेरे को, क्योंकि अभी मंड बंद है ना तो अंदर जा नहीं सकते और काबे बाहर आते नहीं हैं इसलिए।